भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब प्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मालिक, इन्हें में से किसी ने चुराया है। पुलिस आकर जब सबकी तलाशी लेगी तो मिल जाएगा असली मुझे। मैं पुलिस को बुला के लाता हूं। रुक जाओ, एक बार तलाशी लेते हैं तुम्हारी। शिशुपाल जी, अभी आप घर चले जाइए। मैं रमा की फैक्ट्री में जाता हूँ और वहीं से उसके साथ घर चला जाऊँगा। मैं जीवन में जब भी कभी परेशान होता हूँ तब सबसे पहले रमा को ढूंढता हूँ। सच कहूँ तो रमा मेरी हर परेशानी का हल है। ठीक है भीम, तुम जाओ और मैं तुम्हें और रमा को देखकर उम्मीद करता हूँ कि मेरी और श्यामला की भी जोड़ी तुम दोनों जैसी हो जाए। चलता हूं। फिर ये क्या है? मुझे नहीं पता ये पैसे कैसे हैं। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, अब और बकवास क्या करोगे? निकल जाओ यहां से। निकलो यहां से, निकलो यहां से, निकलो। चोर कहीं के? मैंने कुछ नहीं किया। निकलो, दोबारा मत देखना, निकल जाओ। आज बहुत खुश हूं मैं कि मेरी पत्नी भी मेरी तरह हक की लड़ाई लड़ रही है। अरे दरोगा जी ने जैसे ही भीम और उसकी बीवी का नाम सुना, कहने लगा कि नहीं, हमें नहीं उलझना। सुना आपने, चुनाई की बात करते उनसे लोग ऐसे ही डरते भी है। भीमराव, तुम उस दिन यहां आए थे न्याय की बात करने, न्याय के खिलाफ लड़ने, और तुमने न्याय दिलाया भी था। आज वही न्याय मुझे भी दिलवा दो। ये भीमराव कहां से आ गया? अब पता नहीं क्या करेगा। मुझे न्याय दिलवा दो भीमराव, तुम न्याय की बात करते हो ना? मुझे न्याय दिला दो भीमराव। ए,
तुम भीमराव, तुम्हारे बारे में सुना है, इसकी जेब से ये पैसे निकले हैं, साफ साफ घोषित चोर, अब क्या न्याय? मैंने कुछ नहीं किया भीमराव, मुझे लगता है ये सब तुम्हारी भाभी करुणा का किया जा रहा है। शोभा, एक कटोरी सब्जी रख। फुलिया ताई, हिसाब चुका रही है कटोरी कटोरी सब्जी का? हाँ, पहले चाल में ये सब कभी नहीं हुआ। कबो दूध चीनी रोटी खीर सब्जी ये सब का हिसाब नहीं बाबा। लेकिन फिर भीम थोड़ा पढ़ लिख गवा और भाषण देवे लगा, और भाषण से तुम सब जने भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए, और फिर सब जने भाषण देवे लगे, सब नाटक करत हो। फुलिया ताई, इस चूल्हे को देखो ना, देखिए इसमें अगर लकड़ी डाल देंगे तो आग जलने लगेगी, और अगर इसमें पानी डाल देंगे तो आग बुझ जाएगी। ईर्ष्या, ईर्ष्या एक सुलगते हुए चूल्हे की तरह होती है, उसमें थोड़ा घी, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा नफरत अगर डालोगी तो आग जलने लगेगी, और अगर थोड़ा स्वीकार करने वाला, थोड़ा प्यार करने वाला पानी डाल दोगी तो आग बुझ जाएगी। फुलिया ताई, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, इसलिए एक सलाह दे रही हूँ, भीम से जुड़े लोगों से बंद कर दीजिए चिढ़ना, नफरत करना, गुस्सा करना, और जैसे मैं पानी डालकर विकल्प चुन रही हूँ ऐसे आप भी चुन लीजिए, क्योंकि साजिश का अंत हमेशा राख हुआ है और राख ही होगा। जैसे ही पानी डालने का विकल्प चुनी हो वैसे ही हम ई विकल्प चुने हैं, जलावन। अब अपने घर में एका लेके जाएंगे और अपने चूल्हे में इस जलावन डाल के जलाएंगे। खाना पक चुका है लेकिन फिर भी जलाएंगे, कहे कि धधकेगा चूल्हा तो हमरे दिल में बसी तुम सब के खातिर नफरत भी नहीं बुझेगी। साहब, साहब ये मेरा देवर है, मगर हमेशा हमेशा मेरे खिलाफ ही रहता है, मेरे खिलाफ ये कुछ भी कर सकता है साहब, और बात बनाने में तो बहुत तेज है ये। हो सकता है कि ये साबित करने में लगेगा कि चोरी मैंने की है, मगर साहब, साहब आपने आपने अपनी आंखों से देखा है ना साहब? भीमराव, ये झूठ बोल रही है, मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, हो सकता है कि आप सही कह रहे हैं, मगर क्या है कि मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा ही नहीं, तो मैं क्या कहूँ? जो लोग यहाँ थे, जिन्होंने सब कुछ देखा, वो फैसला करेंगे तो सही रहेगा। और फिर भी अगर आपको कुछ गलत लग रहा हो तो आप कानून के पास जा सकते हैं, फिर कानून तय करेगा कि क्या करना है। मिल गया न्याय, चलो निकलो। एक ना एक दिन साबित करूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया। साहब, साहब माफ कीजिए साहब, आपके सामने मैनेजर साहब के बारे में कहना पड़ गया,
अगर साहब सच के साथ हमेशा रहना चाहिए, हर हाल में रहना चाहिए, इसीलिए कह दिया साहब। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे जैसे लोग यहाँ काम करते हैं। एक काम करो, तुम आज से यहाँ की मैनेजर। तुम बहादुर हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम ये काम कर लोगे। क्या कहा साहब आपने? क्या कहा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यही कि आज से तुम मैनेजर। साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब। काम वाम तो मैं कर लूंगी, मगर हिसाब किताब मुझसे नहीं होगा। अगर उसके लिए किसी को साथ में रख देते तो। मैं चलता हूँ, सबसे काम करवाओ। मैं कल से रोज ऑफिस आऊँगा, हिसाब किताब मैं देख लूँगा। लक्ष्मी, यहाँ की मैनेजर मैं हूँ। रमा, यहाँ की मैनेजर मैं हूँ। देखो देखो कैसे सब कुछ बदल गया। अब देखना देखना कैसे मैं तुम सबको ठीक करती हूँ। कल सब आ जाना समय पर, ताकि मैं तुम सबको जगह दिखा सकूं। खास कर तुम्हारी रमा और लक्ष्मी। चलो जाओ आप सब। पहले कारखाना साफ कर फिर जाना। मगर सफाई करने वाले सुबह आते हैं ना। ए सुन, जितना मैनेजर कहे ना उतना कर। जा जा पहले कारखाना साफ कर। फाड़ में गया आपका काम, नहीं करना यहाँ काम। चलिए दीदी। नहीं रमा, कहाँ काम ढूंढूंगी मैं, करूंगी मैं काम। दीदी ये काम नहीं करवाएंगे, ये बस हमें परेशान करेंगे। छोड़ो ना रमा, तुम घर जाओ, मैं काम कर कर आती हूँ। रमा तुम्हें मेरी कसम। करुणा भाभी आप ये सही नहीं कर रही हैं, गलत कर रही हैं आप। अरे भीम, तुम तो इस कारखाने में काम भी नहीं करते हो, और फिर तुम्हारी बीवी तो काम छोड़कर जा रही है, तो इसे ले जाओ ना। लेकिन भाभी ये कोई चलो निकलो, अभी निकलो यहाँ से।
चलो रमा। मेरी आई की तबीयत खराब है, काम छोड़कर जाऊंगी तो पता नहीं फिर कब काम मिलेगा। मुझे काम तो करना होगा। अब देखती जाओ कि क्या क्या करती, घर में जेठानी बनकर और यहाँ मैनेजर बनकर क्या हश्र करती। मैंने करुणा दीदी से कितना प्रेम किया, उन्हें कभी भी बड़ी दीदी से कम नहीं माना मैंने, नहीं मेरे साथ ऐसा किया। जा जा मैं काम करने गई, वहां वहां उनका हाथ पकड़ कर ले गई हूँ, और आज उन्हें थोड़ी सी ताकत क्या मिल गई, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दी। रमा, जो हुआ सो हुआ, तुम मजबूत बनो, तुम्हें मजबूत बनना होगा रमा। और कितनी मजबूत बनूं, जिस दीदी की मैंने इतनी फिक्र की, उन्होंने ही मेरे साथ ऐसा किया। बहुत रोना आ रहा है मुझे, मन कर रहा है कि बहुत रो, पुरानी सारी बातें याद आ रही है। जाता है सो जान दे तेरी दसान जाए, खेवटिया की नाव जूं घने मिले हो गया रमा। अब ज्यादा रोना मत, चलो घर चलते हैं, और इसके बारे में अभी ज्यादा सोचो मत। अरे हाँ पूरा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कहाँ काम मिला है? भाऊ, बड़े लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो जब वो खेल कर चले जाते हैं तो मैं उनका सामान रखता हूँ, मैदान तैयार करता हूँ, इसी के पैसे मिलते हैं। चलो अच्छी बात है। हाँ तो वह तो करोगे नौकर वाला काम, और वह करो भी, ज्यादा की जरूरत भी कहाँ है। जरूरत है भाऊ, और ज्यादा करूंगा। आई आई फुलिया काकी, सब सुनो आई। अरे का भावा, क्या हुआ करुणा? बताती हूँ। आज मालिक आए थे और उन्होंने मुझे मैनेजर बना दिया। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है।
मतलब करुणा, अब तू रमा और लक्ष्मी से भी बड़ी हो गई ना? हाँ आई, बहुत बड़ी हो गई हूँ और इतनी बड़ी हो गई हूँ कि इस रमा से बर्दाश्त ही नहीं हुआ और इसने आज ही नौकरी छोड़ दी।